भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई 92,081 किलोमीटर है। भारतीय रेल एक दिन में लगभग 66,687 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में साल 2015 से साल 2016 के बीच लगभग 8 करोड़ लोगों ने ट्रेन का सफर किया है। रेल यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए भारत में इस बीच 7,216 नए रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है इन स्टेशन के नाम के एंड में जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल क्यों लिखा होता है? इसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, स्टेशन के एंड में टर्मिनल क्यों लगा होता है? दोस्तों, स्टेशन के नाम के एंड में टर्मिनल तब लगता है जब उस स्टेशन पर ट्रेन जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरी डायरेक्शन में रेलवे ट्रैक खत्म हो जाता है, इसलिए ट्रेन जिस दिशा में आती है उसी दिशा में वापस जाती है। दोस्तों, भारत में 27 स्टेशन ऐसे हैं जिनके एंड में टर्मिनल लगता है। स्टेशन के एंड में सेंट्रल क्यों लगता है? दोस्तों, जिस स्टेशन के नाम में एंड में सेंट्रल लगता है वह शहर का सबसे व्यस्त स्टेशन होता है। जिस शहर में एक से ज्यादा स्टेशन होते हैं उनमें से जो सबसे पुराना और प्रमुख स्टेशन होता है उसके नाम के एंड में सेंट्रल लगता है। भारत में 5 सेंट्रल स्टेशन हैं। स्टेशन के अंत में जंक्शन कब लगता है? दोस्तों, अगर किसी स्टेशन में ट्रेन आने और जाने के लिए 3 से ज्यादा रूट होते हैं तब उस स्टेशन के नाम के एंड में जंक्शन लगता है। दोस्तों, सरल भाषा में कहें तो जिस रूट पर ट्रेन ने इंटर किया है उसके अलावा 2 रूट ऐसे हैं जिन पर 2 ट्रेनें उस स्टेशन से छोड़ी जा सकती हैं।